हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड से, और इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसमें 7th पास, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, सभी के लिए कुछ कुछ पोस्ट अलग अलग हैं। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी और सैलरी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग सैलरी दी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की सरकारी पे स्केल है। बाकी की सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। पोस्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। सबसे नीचे से स्टार्ट करें अगर तो, इस सीरियल नंबर 11 से वाल्व मैन से, इसमें 1 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी 10, सीरियल नंबर 10 पे सफाई कर्मचारी टोटल 16, 16 वैकेंसीज हैं। सीरियल नंबर 9 पर पंप ऑपरेटर 1 वैकेंसी। प्योन सीरियल नंबर 8 में प्योन के लिए 3 वैकेंसीज, 3 वैकेंसी। मिडवाइफ के लिए 1 वैकेंसी। मजदूर के लिए 1 वैकेंसी। मालिक के लिए 1 वैकेंसी। और सभी की क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे। लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ड्रेसर के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क की 4 पोस्ट है। नोटिस रिलीज कहाँ से की गई है चेक करेंगे, औरंगाबाद छावनी से, औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से। तो औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड इन्वाइट्स द ऑफलाइन एप्लीकेशन, इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है, तो ऑफलाइन है, मतलब आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म और फिर उसको फिल करके आपको भेजना है। और भेजने के लिए ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली राइट ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप, जो लिफाफा आप यूज़ करेंगे एप्लीकेशन भेजने के लिए, उसके ऊपर में एप्लीकेशन ऐसे बोल्ड में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो भी पोस्ट है कैटेगरी आपकी लिखनी है और ऐसे करके भेजना है। सो दैट के 6 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन पहुंच जाए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूनियर क्लर्क से। 4 पोस्ट है। शुड पजेस अ डिग्री, तो ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो इतनी स्पीड की, अगर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं है तो एक गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। और MScIT सर्टिफिकेट, MScIT सर्टिफिकेट हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये जो तीसरे वाले नंबर पे है ना, ये अभी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में भी दे सकते हैं जो 3rd नंबर पे है। बट एक कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। और ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, किसी भी परसेंटेज से पास किया है तो चलेगा। ड्रेसर के लिए 10 पास होना चाहिए, CMD सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पास होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या रेलिवेंट ट्रेड में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए 12 पास होना चाहिए और DMLT पास होना चाहिए। माली के लिए 10 पास और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ गार्डनर। माली का अगर आपने कोई 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो अच्छा रहेगा, तभी अप्लाई कर पाएंगे। मजदूर के लिए सिर्फ 7 पास बताया गया है, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम अगर 7 पास किया मजदूर जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिडवाइफ में 12 पास होना चाहिए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी कोर्स अंडर बॉम्बे नर्सिंग एक्ट, तो ये देख लें क्योंकि इसमें नर्सिंग की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। पियोन में सिर्फ 10 पास काफ़ी है, 10वीं पास है किसी भी परसेंटेज से, किसी भी सेकेंड क्लास मतलब सिर्फ पास होना चाहिए। पंप ऑपरेटर में 10th या मैट्रिक होना चाहिए और या फिर 12th पास है ITI के साथ में पंप ऑपरेटर ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी के लिए फिर से सिर्फ 7 पास, वाल्व मैन के लिए 10 पास, 10वीं पास इतना है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, तो जो गवर्नमेंट वाली पोस्टल सर्विस है वहाँ से आप जाएं, मतलब गवर्नमेंट वाली जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाएं और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है, या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं। एड्रेस ये दे दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें, एज लिमिट अगर बात करते हैं तो एज लिमिट सभी के लिए 21 मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये जो 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है जैसे SC ST कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट रहेगी।
ओबीसी कैटेगरी से अगर है तो 3 साल ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 ईयर्स की छूट रहेगी ऊपरी आयु सीमा में। इसी तरीके से और रिजर्वेशन बेनिफिट, एप्लीकेशन फी अगर देखना चाहते तो पेज नंबर 4 पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे कि एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ, ये सारी चीज़ें। जनरली अनरिजर्व कैटेगरी के तो 700 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के 700, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 700 और फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपीज एप्लीकेशन फी है। और इसके अलावा ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, क्या क्या चीज़ें आपको साथ में और भेजनी है, ये चीज़ें सीरियल नंबर 9 पर पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे बताया गया है, रिटन टेस्ट होगी 100 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। आप इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल है या हिंदी में, जिस भाषा में भी कंफर्टेबल है उसमें आंसर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। और इसके लिए भी सभी के लिए लगभग टेस्ट तो है ही, और स्किल टेस्ट भी हो सकती है। सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा ये भी डिटेल पेज नंबर 6 पे दे दी गई है, 6 पे और 7 पे। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। अगर आप ऐसे ही जॉब और चाहते हैं 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड से रिलेटेड जॉब, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ऐसे और जॉब्स आपके लिए सर्च करके लाती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल हम आ गए औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। इसमें आप देखें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते रिक्रूटमेंट आ रही है। रिक्रूटमेंट पे एक बार आप क्लिक कर लें तो ये आपको रिक्रूटमेंट की पेज नजर आएगी। इसमें क्या क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर क्लर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन तो है नहीं सबमिशन, ऑफलाइन मोड में तो एप्लीकेशन फॉर्म देनी होगी। तो सभी पोस्ट के लिए आप जो भी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं जिस पोस्ट के लिए भी, उसकी डिटेल तो मैंने वीडियो में कवर की है, साथ में आप पढ़ भी लें और उसके हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस पर डाउनलोड आप कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म नहीं। जैसे आप प्यून के लिए करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो सीरियल नंबर 10, अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 6, अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 12 से डाउनलोड कर ले, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप देखना चाहते हैं तो ये सेकेंड सीरियल नंबर डिटेल्ड है, सभी चीज़ें हैं इसमें जो मैं जिस एडवर्टीजमेंट को मैं पढ़कर आपको बता रही थी। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 1 चेक कर सकेंगे। तो ये है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करेंगे, 9 पेजेस की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट है और आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, फीस के लिए कैसे पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फीस जो दी हुई है। एप्लीकेशन फी विल बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, पेएबल एट औरंगाबाद फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ओनली। तो किसी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो पेमेंट ऑनलाइन होती है बट यहाँ नहीं है, तो डिमांड ड्राफ्ट भी बनानी होगी और उसकी एक कॉपी आप फोटो कॉपी या जो भी है आप उसकी इमेज पिक्चर वगैरह रख लें डिमांड ड्राफ्ट जो आप भेजेंगे अपने पास इसके लिए रिकॉर्ड के लिए। तो इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये पेज नंबर 4 पर आप कितनी फीस है और कैसे फी पेमेंट करनी है, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाना, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।